सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं और मम्मा अभी जा रहे हैं एक ऑफिस में मीटिंग करने के लिए, एंड लेट्स सी क्या होता है। सी यू गाइस सुबह सुबह। हम पहुंच चुके हैं ऑफिस, मम्मा और मैं। और अभी हम पहुंचे हैं इधर, हम जहाँ गए थे मीटिंग करने के लिए सर नहीं थे, क्योंकि आई थिंक सर को किसी ने बताया नहीं है कि मैं आने वाली थी मीटिंग करने के लिए। तो फिर अभी हम जा रहे हैं घर पर, रोड कुछ खाएंगे और फिर उसके बाद घर जाएंगे। सर आएंगे शाम को 7 बजे के आसपास। तो मैंने जिनके थ्रू मैं मिली हूँ, मैंने उनको बोला कि आप मुझे डायरेक्ट नंबर सेंड कीजिए सर का, एंड तो मैं सर को फ़ोन करके खुद बात करके सर जाऊँ सर से मिलने के लिए, एंड वो ज़्यादा बेटर है। उन्होंने अभी तक नंबर नहीं दिया, आई डोंट नो व्हाई, क्या रीज़न रहा है, बट या अब मैंने उन्हें बोला जब तक आप मुझे नंबर नहीं देंगे सर का, तब तक मैं मिलने नहीं जाऊँगी। मुझे नंबर दीजिए, मैं सर से डायरेक्ट बात करूँगी कि वो हैं कि नहीं, उसके बाद ही मैं जाऊँगी। बिकॉज आई कैन ट्रस्ट पीपल लाइक दैट कि जिन्होंने मुझे मीटिंग करने के लिए भेज दिया और ये भी कन्फर्म नहीं किया कि सर वहाँ पर है या नहीं है। सो अभी हम जा रहे हैं VIP रोड कुछ खाने के लिए। मम्मा की तबीयत पहले से थोड़ी ठीक है, उन्हें भूख लग रही है अब, तो उन्हें मैं छोले अमृतसरी कुलचे खिलाने लेके जा रही हूँ, जो कि मुझे भी बहुत पसंद है, वो बहुत टेस्टी होते हैं। हम वो खाएंगे, फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। बंचल अमृतसरी कुलचा मेरा और मॉम का फेवरेट, हम यहाँ हमेशा आते हैं खाने के लिए। और आज हम खाएंगे चूर चूर, लास्ट टाइम हमने चूर चूर खाया था, आज हम खाएंगे चूर चूर जो कि बहुत अमृतसरी है ना, इसलिए अमृतसर में बटर और ये सब चीज़ें ज़्यादा अच्छे से मिलती हैं। और मम्मा पे अच्छे से फोकस। अरे हमारे ओ यम्मी यम्मी, इसमें बहुत सारा बटर है गाइस, दिख रहा है। हम मिलते हैं आपको ये खा के, इसमें बटर भर के दे। शॉप टू शॉप करके एक जगह है उसकी, है ना, ये बहुत ही टेस्टी है, कम एंड ट्राई। मैं मम्मा के लिए पैक करवा ली हूँ, मैं हाफ प्लेट खा के जा रही हूँ। सो ये फ्लावर्स भेजे हैं नीरज ने, बिकॉज मेरी मॉम का बर्थडे होने वाला है शुरू। थैंक यू सो मच फॉर दिस फ्लावर्स, गॉड ब्लेस यू। यूट्यूब चैनल एवरीवन, आज मम्मा ने कुछ तो बना के दिया, आज मम्मा का बर्थडे है। पर हम बर्थडे बनाते नहीं है, हम सेलिब्रेट नहीं करते बर्थडे, बिकॉज इस धरती पे आके कुछ खास तो किया नहीं हमने, इसलिए हम बाइबल में लिखा है कि पापी हैं हम, बाइबल में लिखा है कि हम पापी हैं, और जो आज के दिन पैदा हुआ है बाइबल कहती है कि वो शराफित है मनुष्य जो आज के दिन इस धरती पे आया। हमारे को नॉट सिर्फ आज के दिन, जो भी पैदा हुआ इस धरती पे, जिस दिन भी। हाँ, मैं आज तो ये मम्मा ने बनाया कुछ तो पुराना गाजर का हलवा कुछ करके दिया है मुझे, बहुत टेस्टी है ये। मुझे कॉफी, आज तीसरे दिन की आराधना है, पूरा दिन हमारा घर पे निकल गया, कहीं नहीं गया हम, ठंड में बाहर नहीं निकले, बहुत ठंडी है आज, ब्लैंकेट से बाहर नहीं निकली हूँ। और मम्मा आज तीसरे दिन की आराधना हम घर पे बनाएंगे। और मम्मा क्या है ये बताओ? यह है चुकंदर और गाजर और देसी घी और खोआ और शक्कर। आओ, तभी कहो इतना टेस्टी कैसे है ये, पर ये फोक
इसके साथ स्पून नहीं था, उन्होंने फोक लाके दिया। क्योंकि फोक से गर्म कर रहे हैं, वो फोक से गर्म कर रहे हैं। मैंने कॉफी भी बनाई है और रस के साथ खाएंगे। आज के ब्लॉग में कुछ खास नहीं है गाइस, आज मैं घर पे ही थी और कुछ खास नहीं। God bless you. See you later, mama. Mama. Mama, mu kholo. Mu kholo, mama. 8:75 dollar aa gaye. 75 dollar. Lo khalo. Khabe. Mama. अभी 2 dollar और आएंगे फिर निकाल सकते हैं इसमें से। अभी हम मम्मा को खाएंगे फिर मैं नैन्सी को मम्मा अपने बिजनेस में चेक कर रहे हैं। मम्मा क्या बिजनेस है आपका? पर्ल वाइन फॉर्च्यून वॉलेट में 4 गाइस, अगर आप मेरे साथ काम करना चाहते हैं पर्ल वाइन में तो आप ज्वाइन हो जाइए, ज्वाइन हो जाइए पर्ल वाइन इंटरनेशनल। पर्ल वाइन एक सॉफ्टवेयर है जिसमें हम काम कर रहे हैं और उसमें हमारे को डॉलर आते हैं। तो अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए, मेरी मॉम की इंस्टाग्राम आईडी पे जाके उन्हें मैसेज कीजिए और हमारे साथ जुड़िए। मेरी इंस्टाग्राम की लिस्ट में आपको दिख जाएगा रवेका, रवेका करके नाम है मम्मा का, रवेका ऑफिशियल, वहां पे क्लिक कीजिए और मम्मा को डीएम कीजिए और हम साथ काम कर सकते हैं। बहुत अच्छा काम। बिस्तर में बैठे बैठे भी कर सकते हैं इसको, घर बैठ के आराम से, घर बैठ के आराम से कर सकते हैं। घर पे पता नहीं चलता पूरा दिन कहाँ निकल गया, कुछ नहीं करते हैं, मन नहीं करता है कुछ भी करने का, घर पे आके वापस। सर्दी बहुत है, इतनी धुंध हो रही है कि कमरे से बाहर निकलने का मन नहीं करता, बहुत ठंडी हो गई है। See you guys. Bye. और ये बॉडी रेस्ट था। आपको भी खाना है मामा? खा ले तो, थोड़ा ही लाइयो गर्म करके। और भी है हमारे पास? रखा हुआ है, हाँ, खा ले खा ले। और कुछ कहना चाहते हो आप लोग? व्लॉग में बताओ क्या कहना चाहते हो। कुछ नहीं कहना चाहती। बताओ कुछ कहना चाहते हो तो? सर्दी है, मेरी सैटरडे से तबीयत खराब थी, अब थोड़ी ठीक हूँ, लेकिन मेरे पसली जब मैं घर पे आती हूँ मम्मा की तबीयत खराब हो जाती थी है, पहले ठीक रहते हैं, मेरे आने से एक दिन पहले इनको क्या हो जाता है या फिर आके हो जाता है कुछ? ऐसा कुछ नहीं है। फिर कैसा? बस इस दुनिया में दिल नहीं लगता, किसी का भी नहीं लगता, मेरा भी नहीं लगता। अच्छी नहीं, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, यहीं पे हम समाचार करते हैं खत्म। जल्दी जाना चाहते हैं यहाँ से, स्वर्ग यहाँ से दूर अपने माता पिता के साथ, पर कुछ कार्य करना पड़ता है उसके लिए, माता परमेश्वर। मिलते हैं आपको, आज डिनर में क्या खाएंगे वो बताएंगे, मॉर्निंग में हमने क्या हमने लंच में खाया था, पनीर चीज चिल्ली चपाती चपाती घी लगा के रोटी में, कुछ खाने को भी दिल नहीं है, कुछ खाने को भी दिल करता, बनाने को दिल नहीं करता। नहीं। क्या बनाना है क्या खाना है? लगता है आज भी डिनर ऑर्डर ही करेंगे, फिर से चिल्ली पनीर। इतने शहंशाह नहीं है, गरीब लोग हैं हम, दिल से अमीर है। See you guys. Bye. तो अपनी मम्मा को बोल रही हूँ चलो हम रील बनाएंगे, तो मम्मा का आंसर क्या है? बिस्तर में ही बना ले क्योंकि ठंडी बहुत है, ठंडी बहुत है। आई एम नॉट फीलिंग वेल, मैंने कहा बिस्तर में बना ले लेटी लेटी की रील, मैं ठीक नहीं हूँ। कांची थी है अभी भी है? हाँ।
खांसी आपको खांसी हो गई है? लगते एकदम चकाचक रहे हो आप। क्या करते रहते हो मामा? पूरा तो हमको भी लगता है, पर हम आपकी बातों को हल्के में ले लेते हैं। पर हम आपकी बातों को हल्के में ले लेते हैं। आपको बोला तो हल्की रह जाएगी अगर तू हल्के में लेगी बातों को तो यार। और ये फ्लावर्स भेजे हैं निहाल ने। निहाल, थैंक यू सो मच फॉर सेंडिंग मी दिस ब्यूटीफुल फ्लावर्स। गॉड ब्लेस यू। कहने वाले मुझको फरेबी, कौन फरेबी है ये बता। वो जिसने गम लिया प्यार की खातिर, या जिसने प्यार को बेच दिया। नशा दौलत का ऐसा भी क्या कि तुझे कुछ भी याद नहीं। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ? Oh, not. अभी मेरे को ऐसे लिप पे लग रहा है कि जैसे बुखार सुसु कर जाता है ऐसे करके। बचपन में तो बोलते थे, अब तो पता नहीं क्या बोलते हैं, लिप पे कुछ हो जाता है। और मेरे साथ है मेरा पारा टाइगर। मम्मा अलाउड नहीं करते हैं बेड पे, बट आज मम्मा का बर्थडे है तो अच्छा था। अरे मेरा बच्चा पारुष बेबी, देखो ये बहुत बड़ा टाइगर है। इसको टेंशन चाहिए, इसको टेंशन सीख रही है। हाय कर रहा है सबको। हाय कर दो टैगी। हाय कैसे करते हैं? हाय हाय हेलो। हाँ ऐसे करते हैं हाय। और घुबड़ो, इसको बस कैमरा ऑन होती है ऐसा घबरा जाता है, इसको इतनी इरिटेशन होने जाता है, होने लग जाती है कैमरे से कि बस कैमरा बंद कर दो, मेरे को पार करते रहो गोदी में लेके, ऐसे कैमरा बंद कर दो बस। मम्मा लेना वहां से जरा वीडियो मेरी और टाइगर की। ठीक है तो मैं कह यस यस मॉम बी नो दैट है। मम्मा लोगे मेरी एक वीडियो? हम करती है लड़की कहां चली गई ऊपर से कैमरे के ऊपर बैठा था। मेरी लिपस्टिक थक गई हूं मैं। चलो गाइज, एक मिनट 20 सेकंड्स हो चुके हैं, मैं करती हूँ आपसे बाद में बात, बिकॉज मम्मा इज नॉट इन अ मूड। और ये मेरा भालू शाह कुत्तू, भालू शाह कुत्तू। किसको बेबी है तू? टैगी किसको बेबी है? किसको बेबी है तू? बता दे सबको, बता दे किसका बेबी? गधे का। गधे का नहीं, गधे का बेबी नहीं। मम्मा नहीं हटो, और ना इसको खेलना है। गिर गया टाइगर। अच्छा घुघरू पकड़ू चा, मेरा घुघरू पकड़ू चा, मेरा घुघरू चा। ना 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 खा जा, खा जा चल बस टाइगर। ना ओए कपड़ा उठ नहीं ना मम्मा, ना मम्मा यार ऐसे उठा दिया उसको गोदी में। बता के बाल झड़ रहे हैं इसलिए उसको नीचे उतार दिया मम्मा ने। मैं अपने रूम में लेके जाके उसको गोदी में ले प्यार। एक ही बात है, आपके रूम में नहीं कर सकते ना। मैं मम्मा के रूम में सोती हूँ हगी करके, और मेरे लिप पे देखो कुछ तो हो रहा है, ये गड़बड़ गाइस। चल खाना खा ले लिप पे, यहाँ कुछ तो हो रहा है। ये हर साल होता तो जरूर है। दिखा क्या हुआ? ये लिप के पास हो रहा है फटने के बाद होंठ।
बट मैं इसके ऊपर लिप बाम लगाती रहूंगी तो शायद ना हो, बट आज आप देख रहे हैं ऐसा है ये, कल ना जाने कैसा होगा, बट आई ट्राई माय बेस्ट कि ये ठीक रहे और मैं इसको लिप ग्लॉस लगा के रखूं अपने होठों पे, बिकॉज ठंड में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर होती रहती है। और वन मिनट 20 सेकंड में मैंने बोला था कि मैं थक चुकी हूँ, 3 मिनट 30 सेकंड हो चुके हैं, उससे ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। सो हाँ, तो मैं एक और बात आपसे शेयर करना चाह रही हूँ गाइस, कल मैं जिस इंटरव्यू के लिए जिस मीटिंग के लिए गई थी, वहाँ पे हुआ क्या कि उन्होंने हमें रास्ते में पहले बोला कि अरे आप अपनी मम्मा को लेके जा रहे हो, आप अपनी मम्मा को क्यों लेके जा रहे हो, अगर आप अपनी मम्मा को लेके जा रहे हो, फिर उसने थोड़ा बहस किया, मैंने बोला क्या प्रॉब्लम है मम्मा को साथ लेके जाने में, आपको परेशानी क्या है ये बताओ, क्या आपने कभी किसी एक्टर को देखा नहीं है अपनी मम्मा को साथ लेके जाते हुए पंजाब इंडस्ट्री में, जो आप मुझे मना कर रहे हैं। तो उसने बोला कि नहीं, आप तो अगर आप कहीं इंटरव्यू पे जाओगे तो मम्मा को लेके जाओगे। तो मैंने बोला इंटरव्यू पे तो मैं पहली बात नहीं जा रही, वो इंटरव्यू नहीं है, और अगर मैं किसी के साथ 7 साल का एग्रीमेंट साइन करूंगी तो ऑफकोर्स यू नो तो ऑफकोर्स मेरी मॉम को पता होना चाहिए, और अगर मम्मा को लगेगा सही तभी मैं एग्रीमेंट साइन करूंगी, नहीं तो तुम्हारे जैसे 3600 आगे पीछे घूमते हैं मेरे, ऐसे बोल दिया, गुस्सा तो आता ही है। फिर बोलते अच्छा अगर अपनी मम्मा को लेके जा रहे हो ना तो फिर आप, मैंने कहा अगर प्रॉब्लम है तो बताओ मैं गाड़ी वापस मोड़ लेती हूँ, कहते हाँ आप गाड़ी वापस मोड़ लो, मैंने बोला ठीक है। फिर मैंने उस बॉस को फोन किया, उस बंदे को जिसने मुझे बोला था कि हम जिससे मेन मिलना था, तो मैंने उन्हें कॉल करके बोला कि सर आपको कोई प्रॉब्लम है कि मैं अपनी मम्मा को लेके आ रही हूँ, तो बोलता नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप आ जाओ आराम से आ जाओ, हम बैठ के बात करते हैं। तो मैं गई वहां पे, तो वहां पे तो वहां तो मुझे बोलता है कि आपसे पहले एक लड़की आई थी जिसको हम फाइनल करने वाले थे, पर उसको हमने फाइनल नहीं किया क्योंकि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई थी, और उसने अब बॉयफ्रेंड को बोला कि जो भी फाइनलाइज करेगा मेरा बॉयफ्रेंड फाइनलाइज करेगा चीजें। तो बॉयफ्रेंड में और मम्मा में जमीन आसमान का फर्क होता है, पहली बात तो मैं बता दूं उस इंसान को। और बोलता है कि मैं कैनेडा में सेटल्ड है, कैनेडा में सही है, कितना टर्नओवर है उसका 50 या 100 2-3 करोड़ टर्नओवर है उसका मंथली, ये वो चीजें बता रहा था। इतना टर्नओवर होने के बाद भी इतना उससे बैश की बातें की, सब कुछ बताया लाइफ के बारे में कि यू नो मम्मा ने भी बताया कि अर्शिया ऐसी लड़कियों में से नहीं है कि यू नो जो पैसा देके पिघल जाए एंड ऑल दैट चीजें, हम प्रोफेशनल रहते हैं काम में हमेशा 100% रहते हैं। तो उसके बाद शॉर्ट में बताती हूँ, ये बहुत लंबी बात हुई थी हमारी। फिर उसके बाद उसने बोला नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने आप जैसी लड़की तो देखी नहीं है इंडस्ट्री में जो यू नो ऐसी हो, अपनी मॉम को लेके जा रही हो और ऐसे वैसे जो भी है एक्स वाई जेड। एंड फिर उसके बाद बोलता है कि मैं आपको कल एग्रीमेंट साइन करता हूँ, मैं कल आपको सारे जो भी एग्रीमेंट है वो सब मैं आपको भेज दूंगा कल। तो आई वॉज लाइक ठीक है। तो जैसे ही हम ऑफिस से बाहर निकले तो मम्मा ने मुझसे पूछा कि मम्मा मैंने पूछा तुझे क्या लगता है वो एग्रीमेंट साइन वो भेजेगा या नहीं भेजेगा, तो मैंने मम्मा को बोला नहीं भेजेगा। तो मम्मा ने बोला क्यों, देखो ऐसा क्यों लग रहा है, क्योंकि मुझे पता है, मुझे इंट्यूशंस आ जाती हैं। एंड वही बात हुई कि आज उसने पूरा दिन नहीं भेजा कुछ भी, एंड मैंने मम्मा को बोला देखो मुझे पता चल जाती हैं चीजें, एंड ये बहुत अच्छी बात है, एंड ये अब होना शुरू है गाइस, पहले मुझे चीजों का नहीं पता चलता था, एंड यू नो अब इंट्यूशंस मेरी बहुत सही होने लग गई हैं, जब से मैं गॉड में बहुत ज्यादा हो गई हूँ, एंड यू नो आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग बैड, आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन माई वर्क फैमिली, दैट्स ऑल आई नीड इन माई लाइफ एंड दैट्स ऑल मैटर्स राइट। तो उसके बाद से आपकी जिंदगी इतनी अच्छी और इतनी चीजें आपको पता चलने लग जाती है, लाइक मुझे ऐसा लग जाता है जो चीज होने वाली होती है ना मेरी लाइफ में उस वो पहले ही मुझे इंट्यूशंस मिल जाते हैं कि नहीं कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है, या ये चीज होगी ये चीज नहीं होगी। एंड आई थिंक वो इसी वजह से है क्योंकि हेवनली मदर वो हमेशा मेरे साथ है, हमेशा मुझे देख रहे हैं, एंड हेवनली फादर जो स्वर्ग में है उनका मैं बहुत थैंक करना चाहती हूँ कि मुझे समझदार बना रहे हैं वो धीरे धीरे। आई एम सो हैप्पी एंड या चीज़ें गलतियाँ लाइफ में हो जाती हैं,
अपनी पुरानी लाइफ को छोड़ के एक नई जिंदगी जीना इट्स वेरी डिफिकल्ट. काफी लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं ये चीज. जो आपके आसपास के लोग होते हैं वो हमेशा आपको पोक करते रहेंगे आपके पुराने जीवन के लिए. बट अगर ऐसा कुछ है तो आप उन सब चीजों को छोड़ के अपनी अलग जिंदगी जियो. क्योंकि जहां पे आपको लगे थोड़ा सा भी कि आपको थोड़ी सी भी नेगेटिव वाइब आ रही है या फिर ऐसी कोई वाइब आ रही है कि लोग आपको नहीं समझ रहे, तो वहां से निकल के आप अपनी अलग जिंदगी जियो, बहुत जरूरी है. तो गॉड आपको अच्छा रास्ता भी देंगे और अच्छी मंजिल भी देंगे और आपको सेफ रखेंगे ऐसे शैतान लोगों के बीच में. पता नहीं कोई तो राहुल था कोई कास्टिंग वाला जो चंडीगढ़ में है, कास्टिंग फिल्म्स करके कोई ऑफिस है उसका, पता नहीं पंजाब में, जिसने कभी जिंदगी में आपको शायद फोटो शायद हो पता नहीं, मैं दिखाती ही नहीं तो फोटोज की. राहुल है कोई कास्टिंग वाला चंडीगढ़ से एंड उसके डैड का एक्सीडेंट हो गया था, तो मुझे बोल रहा था, मैंने बोला आई विल प्रे फॉर योर डैड. और उसके बाद मुझे बोल रहे कि अगर आप अपनी मम्मा को लेके जाओगे तो आप गाड़ी वापस मोड़ लो. आई मीन रियली आई हैव नो आइडिया पीपल कि कैसे कैसे वाहियात पीपल, ऐसे वाहियात लोग भी मिलते हैं इंडस्ट्री में लोगों को. पर गर्ल्स जो भी इस इंडस्ट्री में हैं या फिर आने वाली हैं फ्यूचर में, तो ऐसे लोगों से बच के रहो जो आप जिनको प्रॉब्लम है आपकी फैमिली को कहीं भी लेके आने जाने में, बिकॉज ऐसे लोग फेक होते हैं. एंड ऐसे लोगों से बच के रहिए एंड उन लोगों के साथ काम कीजिए. बिकॉज मैंने अभी तक जितनी मूवीज की हैं, जितना काम किया है, सॉन्ग्स किए हैं, मैं अकेली भी की है मैंने साउथ इंडियन मूवी. पहले मैं अपनी मॉम को लेके गई थी वहां शूट पे एंड शूट बहुत अच्छे से किया है. एंड उसके बाद मैंने एक पूरी मूवी अकेले जाके की है एंड दैट वाज सेफ. आई नो कि वो लोग सेफ हैं, वो लोग अच्छे हैं, तो मैं उनके साथ अकेली जा सकती हूँ. जब मैंने बॉस मूवी की थी, अगर वहां पे मेरी मॉम ना होते तो मेरा दिमाग तो ऐसा खराब हो जाता, बिकॉज वहां पे इतना ज्यादा मुझे पोक किया गया था कुछ चीजों को लेके. लोगों ने बहुत इरिटेट किया था मुझे कि बर्थडे पार्टी में बुलाया मुझे एक आफ्टर शूट. तो वैसे मैं जाती नहीं हूँ, मेरा काम होता है शूट करना, शूट के बाद घर पे जाके सो जाना. एंड वहां पे मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे बुलाया तो गया था, मैं वहां पे बॉस मूवी मेन हीरोइन थी, बट मुझे ऐसे सबसे पीछे खड़ा दिया गया था. तो जब सुशांत केस हुआ था, जब उन्होंने सुसाइड कर लिया था सुशांत ने, तो उनके जो चीजें बाहर आ रही थी कि जब वो सेट पे थे तो उनको ऐसे पीछे खड़ा दिया था और ये सब चीजें, तो वो सब चीजें मेरे साथ, मुझे मैंने ऐसा फील किया कि ये तो मेरे साथ भी हुआ था ऐसा. बट दैट्स ओके, मैं बहुत ज्यादा ब्लेस्ड फील करती हूँ कि मेरी मॉम उस टाइम पे मेरे साथ थे, तो मुझे इन सब चीजों का ज्यादा ध्यान नहीं गया. आई वाज लाइक ठीक है कोई बात नहीं, मुझे नहीं करना. और अभी जो मैंने एक बॉस अभी जो मैंने एक मूवी साइन की है डेंजरस, वहां पे मैं ऐसे पीछे खड़ी हो रही थी तो मुझे पकड़ पकड़ के आगे कर रहे थे. वो होता है प्यार इज्जत देना. एंड आई एम सो ग्लैड, आई एम सो हैप्पी अबाउट दिस. एंड कि अच्छे लोग भी मिलते हैं इंडस्ट्री में, बुरे लोग भी मिलते हैं इंडस्ट्री में, बट आपको अपने पे भरोसा रखो और गॉड पे हमेशा भरोसा रखो गाइज. वो आपको हमेशा अच्छा रास्ता ही देंगे. एंड अगर बुरे लोग मिलते भी हैं तो जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ एंड उन बुरे लोगों को अच्छे से मुंह तोड़ के जवाब दो. जो लोग सोचते हैं ना कि हाँ किसी ने कुछ बोल दिया तो चुपचाप रह के सहलो, नहीं, अच्छे से मुंह तोड़ जवाब उनको मिलना चाहिए ताकि कल को वो किसी और के साथ ये हरकत ना करें. ठीक है, तो बस मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मेरे को बहुत गुस्सा आ गया था कल इस बात पे. मैं बहुत ज्यादा गुस्से में थी और मैंने जाते ही सबसे पहले ये बोला कि आपको कोई प्रॉब्लम है कि मैं अपनी मम्मा को साथ लेके आई हूँ. तो फिर जो बात चली है काफी लंबी चली है एंड मुझे पता था कि वो नहीं भेजेंगे, उन्होंने नहीं भेजा. आई एम सो ग्लैड कि नहीं भेजा, क्योंकि मेरे लिए गॉड ने कुछ और ही रखा है और ऐसा कुछ रखा है जो उन लोगों से तो काफी ऊपर होगा. सो या थैंक यू सो मच गाइज, ये व्लॉग था यहीं तक. अगर आपको पसंद आए, मैं अभी हल्का फुल्का कुछ खा के सो जाने वाली हूँ, सो मुझे व्लॉग एडिट भी करना है कल पोस्ट करने के लिए. सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग एंड आप लोग इतना सपोर्ट करते हैं, इतने प्यारे प्यारे कॉमेंट्स करते हैं, थैंक यू सो मच. और हाँ, मुझे किसी ने तो बोला था कि अर्शिया आप प्लीज अपने नेक्स्ट वीडियो में कमेंट्स पे प्लीज हमारा नाम लेना. सो मैं उन लोगों का नाम लेना चाहती हूँ जो लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे कमेंट करते हैं. गाइस गिव मी अ सेकेंड. न
इसको 5 hours हो गए हैं। आज है 18th January जब मैंने ये व्लॉग अपलोड किया है, तो मेरी तबीयत उस टाइम पे खराब थी, मैं बॉम्बे में थी एंड मैंने वो व्लॉग डाला एंड लोग इतना प्यार देते हैं मुझे। आई एम सो हैप्पी, सो ग्लैड टू हैव यू गाइज इन माई लाइफ, थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यार, इतना ज्यादा प्यार देने के लिए। सो ठीक है, प्रिया इज राइटिंग, प्रिया वंदना इज टाइपिंग, आई प्रे you and your family always stay healthy and take care, stay motivated always that you already are, you are dedicated, you have goals, still you make vlog for all of us, please take care of yourself, you're fine in another 2-3 days, I'll pray for you, Arsha ma'am. That's so sweet, thank you so much Priya, God bless you and smile for life. The first time I saw you, my heart skip a beat, Arshia ma'am. Thank you so much. That's so cute. Ramandeep Walia. Ma'am, amazing vlog. Love it. Ma'am, please take care of yourself. Ma'am, I will pray to God. Thank that your cold gets away. I want you to be fine every time. Arshia ma'am, feet lover. Take care. रमनदीप वालिया को मेरे फीट बहुत पसंद है, दैट्स सो वियर्ड बट थैंक यू एंड या फिटनेस मोटिवेशन, गेट वेल सून, ड्रिंक हॉट वाटर एंड यूज विक्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू फिटनेस मोटिवेशन। विक्रांत कुमार, मैम टेक केयर, God bless you ma'am, thank you so much Vikrant Kumar. Ishu Yadav, me too, also suffering from cold and fever. Oh Ishu Yadav, take care of yourself and God bless you. Rebecca, my mom always comments, mama I love you, mama ne likha hai, nice vlog, God bless you, thank you so much mama, God bless you too. Mwah. And प्रिया यादव ने फ्रेंड के ऊपर एक बहुत बहुत ही बड़ा मैसेज है ये, जो कि बहुत ही लंबा है, मैंने इसे पूरा पढ़ा था। उन्होंने एक एक बात बहुत सच बोली है दोस्ती को लेके, कि दोस्त वो होते हैं जो कभी अपने दूसरे दोस्त के बारे में कुछ नहीं सुनते, वो ही एक सच्ची दोस्ती होती है। और अगर आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि आपके दोस्त के बारे में कोई दूसरा दोस्त कुछ भी बोले, तो मुझे ऐसा लगता है वो दोस्ती नहीं है। मेरा एक दोस्त है मंजीत, उसका एक दोस्त था, मंजीत मेरे लिए दिल्ली से चंडीगढ़ आ गया था, मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, मेरे पास कोई भी नहीं था एंड तो वो चंडीगढ़ से दिल्ली आ गया था, नहीं दिल्ली से चंडीगढ़ आ गया था मुझे मिलने के लिए कि मेरी तबीयत कैसी है, सिर्फ देखने के लिए कि आई एम ओके। एंड उसके साथ एक और दोस्त आया था, तो जब वो जो एक और दोस्त आया था उसने मंजीत के बारे में कुछ उल्टा बोला था, तो मैंने उस इंसान से बात करना बंद कर दिया था, मैंने क्रॉस चेक नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। मेरा दोस्त मंजीत है, मंजीत को अगर कोई बात बुरी लगी कि किसी ने उसके बारे में कुछ ऐसा उल्टा बोला है, तो मैं उस इंसान से बात ही नहीं करूंगी, बिकॉज मेरा दोस्त मंजीत है, मंजीत मेरा दोस्त है, मैं मंजीत की दोस्त हूं। कोई तीसरा इंसान मेरे दोस्त को कुछ बोलेगा तो वो मेरा दोस्त नहीं है, ऐसा ही होता है इस दुनिया में, राइट? सो या दोस्ती के बारे में उसने ऐसा बोला है, आई गॉट इट। ओके, रूही राय, दी ध्यान रखना यार, बहुत गंदा वेदर चल रहा है, सब बीमार ही बीमार हो रहे हैं, पता नहीं क्या ही हो गया है, सारे काम ही अटक गए हैं। दैट्स ट्रू रूही, बहुत काम अटक गए हैं मेरे, बट गॉड जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, तो इसमें भी कुछ अच्छा ही छुपा होगा, बाकी लेट्स सी। सचिन नेगी ने मुझे हार्ट सेंड किए हैं, थैंक यू सो मच सचिन नेगी। तृप्ति रन सिंह, स्पिट्सविला स्क्रिप्टेड होता है क्या, क्योंकि आप रियल लाइफ में बहुत अच्छे हो और स्पिट्सविला में आपको विलन टाइप दिखाया था, सो प्लीज रिप्लाई करो। तो मैंने उनका रिप्लाई किया है, नॉट स्क्रिप्टेड बट जिसको जैसा दिखाना है वैसा दिखाते हैं, स्क्रिप्टेड तो नहीं है स्पिट्सविला, बट जिस तरह से उनको स्टोरी लाइन चलानी है वो उसी तरह से स्टोरी लाइन चलाएंगे, राइट? सब कुछ तो अच्छा अच्छा नहीं दिखाएंगे मेरे बारे में, ऑफकोर्स
टीआरपी भी तो मिलेगी राइट, टीआरपी भी जरूरी है। सो हाँ, अगर जैसे मुझे विलन दिखाया गया था उस पर अगर मुझे नॉर्मली भी कोई गाली निकालेगा तो ऑफकोर्स मैं उसको धोने जाऊंगी उसके, जैसे मैंने जैसे स्क्रिप्ट में स्क्रिप्ट कह रही हूँ, जैसे स्पेसुला में बोला था कि अर्शिया अपोलोजाइज करो कि आप भव्या को मारने के लिए गए थे, उस चीज के लिए अपोलोजाइज करो। मैंने बोला नहीं करूंगी मैं अपोलोजाइज उसको, अगर वो मेरी फैमिली के, अगर वो मेरी मॉम मेरे लिए सब कुछ है, अगर मेरी मॉम को कोई भी गाली देगा चाहे वो भव्य हो चाहे एक्स वाई जेड कोई भी हो, तो वो मुझसे पिटेगा ही, चाहे कुछ भी हो वो मुझसे पिटेगा ही इंसान। तो उन्होंने बोला था कि अपोलोजाइज बोलो, मैंने बोला नहीं, मैंने बोला ही नहीं स्क्रीन पे ऐसा कुछ कि हाँ, जब भव्या रोई थी बहुत बुरी तरह रोई थी वो, तब मैंने उसे बोला था कि देख ऐसे रो मत, ऑन कैमरा वो बहुत शेर बन रही थी, बट बाद में हम स्क्रिप्ट स्पेसुला के बारे में नहीं बात कर रहे हैं गाइज, इट्स ओवर काफी टाइम हो चुका है स्पेसुला को खत्म हो गए हुए। तो या गाइज, द पॉइंट इज स्पेसुला इज नॉट स्क्रिप्टेड। एंड सेकेंड कॉमेंट पे जाएंगे, रूही दी मैं भी बीमार पड़ी हूँ। रूही टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू, एंड अपना ध्यान रखिए, मेडिसिन खाइए, हॉट वाटर पीजिए, बिकॉज जब मेरी तबीयत खराब थी मैंने बहुत हॉट वाटर पिया हल्दी और काली मिर्च डाल के, एंड आई एम फीलिंग ग्रेट नाउ थैंक्स टू फादर एंड मदर, हेवनली फादर एंड मदर। सो गाइज, ये व्लॉग था यहीं तक, मैं हर कोशिश करूंगी हर व्लॉग में अपने लास्ट वीडियो का यू नो कॉमेंट्स पढ़ सकूँ एंड आप सबको मैंशन कर सकूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको पसंद आए मेरा व्लॉग लाइक जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड बेल आइकॉन भी जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं कभी भी लाइव आऊं या फिर मैं कभी भी मेरा कोई नया व्लॉग आए तो आपको पता चल जाए। एंड या सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय, गॉड ब्लेस यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।